हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए। मान लीजिए दोस्तों कि आपका फेसबुक के अकाउंट का आपको आईडी का पासवर्ड मालूम नहीं है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बस आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दीजिएगा और आपको पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है कि आपको सबसे पहले आपको उस फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है में आपका अकाउंट लॉगिन हो। जैसे ओपन किया दोस्तों तो आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सबसे कोने वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपका प्रोफाइल का लोगो मिलेगा दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे सर्च बार के बगल में दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखो आप तरह इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक मिलेगा सी मोड इन योर अकाउंट, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेट और मोबाइल में डाटा ऑन करके रखिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो आपके अकाउंट सेटिंग का यहाँ पे सेकंड वाला दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जो भी मैं तरीका बताऊंगा आप उस तरीका फॉलो कीजिए तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा दोस्तों। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आपको अगर आपको भी करना है तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे देखो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ को दोस्तों क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन तीन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, डीएक्टिवेशन और यहाँ पे इस तरह का तीन ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों मेरा, क्योंकि इसी नंबर से दोस्तों फेसबुक अकाउंट भी है और इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है, तो मैं यहाँ पे फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछेगा आप यहाँ पे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। दोस्तों आप डीएक्टिवेट कीजिएगा तो कुछ दिन के बाद में दोस्तों आप चाहिएगा लॉगिन करना तो फिर लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आप डिलीट कीजिएगा तो कुछ दिन के बाद दोस्तों आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फेसबुक। आप कहीं भी सर्च कीजिएगा आपका अकाउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इस पर आपको ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों आपसे आपको रीजन पूछ रहा है कि आप क्यों फेसबुक पेज को डालना चाहते हैं। तो चलिए मैं दोस्तों यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ से मैं स्पेंड तो कुछ भी यहाँ पे आपको जो मन में डाल दिएगा, चलिए मैं मान लेते हैं यहाँ पे इस पर आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछेगा डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज री इंटर योर पासवर्ड। अगर मान लीजिए दोस्तों मेरा पासवर्ड याद है तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा जो आपको है। अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड याद नहीं है दोस्तों, तो आपके यहाँ पर देखो तो एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक की जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके फेसबुक अकाउंट से दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर लॉगिन है आपको उस पर एक ओटीपी आएगा दोस्तों, ओटीपी आपको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं और इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कर दिया दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा दोस्तों। ओटीपी जैसे ही आएगा दोस्तों आपको यहाँ पे वो ओटीपी डाल दीजिएगा, डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट आपको कुछ दिन के अंदर में दोस्तों आपका फेसबुक से आपका नाम हट जाएगा, ये अकाउंट आपको डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे फेसबुक का यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे हटा दिया। मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहता था कि कैसे आप अपना फेसबुक पासवर्ड फेसबुक आईडी को डिलीट कैसे परमानेंटली करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।